खबर लुधियाना से है, जहां पर 33 फुटा रोड पर एक टेलीकॉम कंपनी के स्टोर पर काम करने वाली युवती से ग्राहक बनकर आए युवक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए युवती ने स्टोर की पहली मंजिल से छलांग लगा दी और सामने की दुकान में जा छिपी। बाद में लोगों ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने युवक की शिनाख्त कर ली है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। टेलीकॉम कंपनी का स्टोर छोटा है, इसलिए इसमें एक युवती ही काम करती है। दोपहर के समय वो अकेली थी, इसी दौरान एक युवक वहाँ आया और मोबाइल सिम पोर्ट करने की बात करने लगा। कुछ समय बाद उसने स्टोर का शटर नीचे कर दिया और उससे जबरदस्ती करने लगा। किसी तरह उससे छूटकर वो शटर उठाकर छत पर गई और वहां से कूद गई। उसके पांव में चोटें आई हैं। ऐसा करके एक लड़की या भी कोई मुंडे ने किसी ने वो बूढ़ा की दुकान च लगी आ, कोई मुंडा गया उथे उन्हें रेप करने की कोशिश की आ, तो लड़की कोठे तो डिगी आ जाए उथे जाके मौके पे देख। असीं मौके पे गए, लड़की नु तां हॉस्पिटल लाए सके। ते लड़के दा नाम लग्या उतों मौके तो पता, प्रशांत कुमार को गोल गप्पियां दे काम करदे उहदा परिवारक, ते उहदे बारे पता लग्या सी। इस पूरी घटना के बाद युवक वहां से फरार हो गया। युवक का आधार कार्ड वहीं गिर गया था। जमालपुर थाने के सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने बताया कि आरोपित युवक कुछ समय पहले स्टोर के पास के गोलगप्पे की रेड़ी लगाता था। वो वारदात से पहले युवती पर नजर रख रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक की पहचान कर जल्दी उसे हिरासत में लिया जाएगा। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।